This is the banker's algorithm example. The algorithm we have done in the last lecture, and this is the example for the same. In this case, we are considering a system having 5 processes from P0 to P4 and 3 resource type A, B, C. Now, P0 to P4 means there are number of processes. Processes kya hai? Programs hai. For example, MS Word hai, browser hai, any kind of a processes jo abhi system mein abhi hum run kar rahe hain, ya mobile pe humne apps kholi hui hain, let's say 5 apps. A, B, C are the resources. Resources matlab printer hai, file hai, disk driver hai, anything that the processes will need to execute. अब ये है instances. Instances का मतलब है A process की 10 copies हैं हमारे पास, B की 5 है और C की 7 है. तो simultaneously हम add इतने हमारे पास total available है जितना कि शुरू में. Let's say अभी bank start हुआ है तो bank के पास ये total amount है. इस केस में let's say cash की 3 types हैं और 3 तरह के resources हैं और उनकी ये copies हैं. Now in this case, current snapshot of the system. In this case, why we need to take a snapshot of the system? Because we are considering a dynamic system. हम एक dynamic system की बात कर रहे हैं जिसमें हमें पता नहीं है कि कितने processes हो सकते हैं. हो सकता है user 5 processes on कर ले और बीच में 2 off कर दे, या वो ज़्यादा भी on कर सकता, ज़्यादा processes को चला सकता है. So, and the demands of the resources, demand of the processes are also dynamic in nature. वो कभी भी डिमांड कर सकता है या नहीं भी कर सकता है. सो ऑल दिस सिनेरियो में हमें एक स्नैपशॉट लेना पड़ता है, एक सिनेरियो और स्क्रीनशॉट कि जिस सिनेरियो पे हम अभी काम कर रहे हैं. तो दिस इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ आवर सिस्टम. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अवेलेबल एक 1D एक एरे है, एक हमारे पास वेक्टर है जिसमें बताएगा टोटल अभी बैंक के पास कितना है. अब मैंने पहले बोला था कि बैंक के पास A की 10 इंस्टेंसेस है, B की 5 है और C की 7 है. तो अभी बैंक रन किया, लाइक सिस्टम ने रन किया और ये सिनेरियो बनने के बाद अभी हमारे पास इतना बचा है. अभी जो करंटली बैंक के पास 3 कॉपीज़ A की पड़ी हैं, 3 B की और C की 2 कॉपीज़ पड़ी हैं. दिस इज़ द करंट अवेलेबल. सो ये 1D एरे है, एक वैक्टर है. इसकी लेंथ कितनी होगी? जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं. तो 3 रिसोर्सेज हैं तो 3 लेंथ का एरे है जो बताएगा कि कौन सा कितना, कौन कितनी रिसोर्स की कितनी कॉपीज़ पड़ी हैं. सेकंड वी हैव एलोकेशन. एलोकेशन जो हमारा कस्टमर वाइज होगा, ऑब्वियसली भी बैंक को हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है. तो इन दिस केस सिस्टम में प्रोसेस वाइज रिकॉर्ड रखा जाएगा तो ये 2D एरे बनेगा. इन दिस केस इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ n इंटू m. n इज़ अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, m इज़ अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज. सो इन दिस केस P0 में ये क्या डिपिक्ट करता है कि P0 को एट अ टाइम अभी कितने एलोकेट हुए पड़े हैं. इन दिस केस P0 को A का कोई भी इंस्टांस नहीं मिला हुआ, B का 1 है, C का कोई इंस्टांस नहीं है, P1 के पास 2 कॉपीज ऑफ A है और इनका कोई कॉपी नहीं है. अगेन कौन से रिसोर्स की कितनी कॉपीज मिली है. सो दिस इज़ I, दिस इज़ J एंड दिस इज़ K. नाउ इन दिस केस वील से एलोकेशन ऑफ I ऑफ J इज़ इक्वल टू K. तो यहाँ पे I है लेट्स से 2, J लेट्स से है A, तो K क्या होगा? 3. तो किस कौन से प्रोसेस को कौन से रिसोर्स की कितनी कॉपीज मिली हुई हैं. मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम इज़ ऑल्सो लाइक दिस, बट डिफरेंस क्या है? ये है शुरू में जो हमें उसने डिमांड बताई थी. ये पहले हमने उससे पूछ लिया था कि व्हाट आर द मैक्सिमम डिमांड्स. तो उसको मैक्सिमम 7 कॉपीज चाहिए होगी, हो सकती है फ्यूचर में A की 5, B की और 3, C की. लेकिन करंटली हमने उसको अभी इतना ही दिया हुआ है 0, 1, 0. तो बाद में डिमांड कर सकता है. डायनेमिक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट. सो जब कभी भी डिमांड करे, लेकिन मैक्सिमम इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. सो द फर्स्ट स्टेप, वेन एवर यू गेट सच एन न्यूमेरिकल इन द पेपर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली यू विल गेट वन. Even if you're not getting the numerical example, you will get the algorithm. Explain this within an example, so you can take your own example. So the very first step is, whenever we are solving this, we need to calculate the need. बहुत simple है need को calculate करना. In this case, need कैसे calculate करते हैं? कितना maximum the process is asking. So in this case, processes can ask 753. That means 7 instance of A, 5 instance of B and 3 instance of C. बट कितना मिला हुआ है वो हम इसमें से अगर माइनस कर दें तो फ्यूचर में वो कितना मैक्सिमम नीड कर सकता है तो हमें पता चल जाएगा. कैसे कैलकुलेट करना है?
this maximum. 7 minus 0 is 7, 5 minus 1 is 4, 3 minus 0 is 3. That will be the need of this particular process, P0. So, ye bhi 2D array hai. ठीक है, n into m है इसकी लेंथ. सो इन दिस केस P1 में क्या है, P1 की नीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना मैक्सिमम बोला था उसने कि उसको 3 चाहिए, अभी उसके पास कितने हैं, 2. तो 3 माइनस 2 इज़ 1, इसका अभी कोई भी एलोकेशन नहीं है, तो 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, अब तो सो ऑन विल कैलकुलेट फॉर एवरीथिंग. नाउ इन दिस केस दिस इज़ द करेंट सिनेरियो, एंड इन दिस सिनेरियो द सिस्टम इज सेफ. हमने इस पर सेफ्टी एल्गोरिदम चलाई और हमें पता है कि सिस्टम इज़ सेफ. क्लियर? अब मान लो कि अब ये कैसे सेफ्टी एल्गोरिदम चलाई है, वही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज P1 हैज़ रिक्वेस्टेड 0, 1, 2 रिसोर्सेज. P1 हमारा प्रोसेस जो है, P1 जिसकी मैक्सिमम हमने अब नीड देखनी है उसकी, कि P1 की नीड कितनी हो सकती है, P1 कितना मांग सकता है, 1, 2, 2, और उसने हमसे कितना मांगा है, 1, 0, 2. सो 1, 2, 2 से लेस या इक्वल मांगा है, तो दिस रिक्वेस्ट इज़ फाइन. तो ये रिक्वेस्ट उसकी फ़ाइन है, क्योंकि उसने जितना बोला था उतना ही, उससे लेस और इक्वल ही मांगा है. सो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन है कि जितना आपके पास अभी बैंक के पास है, जितना अभी सिस्टम के पास है, 3, 3, 2. सो ये 3, 3, 2 से भी कम है, मतलब हम उसको अभी एलोकेट कर सकते हैं, और जितना उसने मैक्सिमम मांगना था उतना ही मांगा है. सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. सो हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिटेंड कर लेते हैं कि सिस्टम ने उसको एलोकेट कर दिया. अब जब उसने एलोकेट किया, तो ये दिस विल बिकम द न्यू स्टेट ऑफ द सिस्टम. कैसे न्यू स्टेट बनी? अब न्यू स्टेट बनाने के लिए एल्गोरिदम में कैसे लिखा हुआ था? सो पहला क्या है, रिक्वेस्ट उसकी क्या है, रिक्वेस्ट इज़ लेस देन नीड, तो दैट मीन्स पहली कंडीशन ट्रू हो गई. सेकंड, जितना उसने मांगा है हमारे पास है, अवेलेबल है, दे भी ट्रू होगी. तो हम ये करेंगे, वी विल प्रिटेंड कि सिस्टम ने उसको एलोकेट कर दिया. तो हमारा जो अवेलेबल था, वो उसकी रिक्वेस्ट में जो है, वो हमें अवेलेबल में से माइनस कर देंगे. हमारा अवेलेबल कितना था, 3, 3, 2. प्रोसेस ने कितना डिमांड किया, 0, 1, 2. तो वी विल माइनस दिस 3, 3, 2 माइनस 1, 0, 2. तो हमारा अवेलेबल कितना बचेगा, 3 माइनस 2, विल द कॉरेस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन, 3 माइनस 1 इज़ 2, 3 एंड 0. तो सिस्टम के पास अभी कितना बच जाएगा, 2, 3, 0. तो अवेलेबल हमारा कितना हो गया अभी, 2, 3, 0. सेकेंड कंडीशन, सेकेंड वो क्या कहता है कि जो हमारा एलोकेशन है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, आई का जो एलोकेशन है, उसमें रिक्वेस्ट को ऐड कर दो, मतलब हमने उसको ज़्यादा दे दिया है. सो इन दिस केस, अब इस केस में देखो एलोकेशन किसका, P1 को पहले कितना मिला हुआ था, 2, 0, 0. अब हमने उसको और कितना दे दिया, 0, 1, 2. सो 2, 0, 0 प्लस 1, 0, 2. सो कितना हो गया उसका टोटल एलोकेशन, अब एलोकेशन हमने उसको ज़्यादा दे दिया, तो दैट इज़ 3, 0, 2. तो एलोकेशन ऑफ P1 विल बी 3, 0, 2. पहले एलोकेशन ऑफ P0 कितना था, पहले एलोकेशन ऑफ P1 सॉरी इट इज़ 2, 0, 0. नाउ द न्यू स्टेट में एलोकेशन विल बिकम 3, 0, 2. एंड नेक्स्ट स्टेप इज हमने नीड इज़ इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट ऑफ आई करना है. अब यहाँ पे जहाँ पे आई लिखा है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोसेस का अपडेट करना है. जहाँ पे कोई आई नहीं है, तो मतलब ओवरऑल अपडेट करना है. सो नीड किसकी नीड हमने माइनस करनी है, इसकी पहले नीड थी 1, 2, 2, इसमें से माइनस करेंगे 1, 0, 2. तो इसकी करंट नीड बनेगी 0, 2, 0. सो हमने किसकी नीड अपडेट करी, इट विल बिकम नीड कहाँ है, 0, 2, 0. पहले उसकी नीड थी 1, 2, 2, अभी उसकी नीड कितनी है, 0, 2, 0. तो ये तीन चेंजेस हमने कर दिए, एंड दिस विल बिकम अ न्यू सिनेरियो, न्यू स्टेट ऑफ द सिस्टम. अब ये पहली एल्गोरिदम हमारी जो थी, पहली एल्गोरिदम थी रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम. लास्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस एल्गोरिदम. तो ये एल्गोरिदम जब ये स्टेप्स को फुलफिल करेगा, उसके बाद दिस एल्गोरिदम विल कॉल सेफ्टी एल्गोरिदम. चेक
it will check whether safe sequence is there or not. Now we'll run safety algorithm on the new state. Now we will run the safety algorithm on the current snapshot. That is very important कि जिस snapshot की बात हो रही है, जिस state में अभी system है, उस पर safety algorithm चलेगी. So इस scenario में हमने safety algorithm कैसे चलानी है, हमने देखना है कि हमने एक work लिया, एक नया array लिया और finish, दो array लिए. So work में हमने available को copy कर लिया, finish हमने सबका false कर दिया, finish of every process is false. So in this case work is equal to available. तो available कितना है हमारे पास, 230. So work is will become 230 in this case. And finish सबका false कर दिया, that means कोई भी process अभी finish नहीं हुआ है, everybody is trying to get the resources. So in this case let's say मैंने इसको ऐसे denote किया है कि हर एक process का false कर दिया finish. So in this case अब हमने next condition को satisfy, next condition check करनी है. Now find an index i, एक loop चलानी है such that both ये condition true हो जाए. So in this case finish of i is equal to false. पहली condition है कि वो process ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो भी running state में होना चाहिए. Second उसकी need जो है उस i की हमारे work से कम होनी चाहिए. So अब in this scenario we will run this index, मतलब ये loop को हमने सारे process पे run करना है. For example हमारा जो नीड है, उस प्रोसेस की जो नीड है वो लेस होनी चाहिए हमारे अवेलेबल से, और वो भी फिनिश नहीं होना चाहिए. तो शुरू में तो सारे प्रोसेसेस एक्टिव हैं, नो प्रोसेसेस हैज़ येट फिनिश्ड. सो इन दिस केस नीड किसकी कम है, जब हमने इसके साथ चेक किया कि 743 नो दिस प्रोसेस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड राइट नाउ, लेकिन ये 020 दिस प्रोसेस P1 वी कैन सेटिस्फाई विद दिस मच अमाउंट. बैंक अगर इन सारे कस्टमर्स में से देखे तो हम इसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. क्लियर. इन सम सिनेरियो ऐसे होता है कि दो तीन प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनकी नीड हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज कि हमने किस ऑर्डर में चलना है. सो देर इज़ नॉट एनी पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट कि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है. यू कैन चूज एनी पर्टिकुलर प्रोसेस, बट इट इज़ बेटर टू ऑलवेज गो फ्रॉम 1 to n, बिकॉज वो एक ईजी सिंक्रोनाइजेशन में रहेगा कि जो पहला प्रोसेस आपको मिल रहा है यू कैन गो विद दैट. सो इन दिस केस इसकी नीड हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो हमने इसको क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा है, हमारे पास कैश है, हम उसके उतना कैश दे सकते हैं. यार जब ये ऐसा वाला प्रोसेस हमें कोई मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने अवेलेबल में से जो उसके पास पहले दिए हुए थे वो हम ऐड कर लेंगे और उसको फिनिश कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें देखो क्या क्या सिनेरियो है. इसमें हमने उसको उसकी नीड को फुलफ़िल कर दिया, हमने अपने अवेलेबल में से उसको दे दिया और एज्यूम किया कि प्रोसेस अभी फिनिश हो जाएगा क्योंकि उसकी सारी नीड फुलफ़िल हो गई, अब वो वेट ही नहीं करेगा, फिनिश हो जाएगा. जब ये फिनिश हो जाएगा तो जो पहले उसके पास था, जो उसको पहले मिला हुआ था, वो भी हमें वापस कर देगा बिकॉज प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड. तो ये जो है, ये उसके पहले जो मिला हुआ था वो भी हमें इसमें ऐड कर लेना है, हमारे वर्क में ऐड कर लेना है क्योंकि हम अवेलेबल को नहीं चेंज कर रहे. सो P1 सेटिस्फाइज द कंडीशन. सो हमारा वर्क पहले था 230, उसमें से जो हमने उसको अभी दिया हुआ था 302 पहले गिवन था, इतना हमारे पास कैश बचा था, इतना उसने भी हमें वापस कर दिया. तो हमारा टोटल कैश और टोटल वर्क और अवेलेबल हमारा इंक्रीज़ हो गया. 2 + 3 = 5, 3 + 0 = 3, 0 + 2 = 2. तो हमारे पास अभी बैंक के पास कैश बढ़ गया और हमारे सिस्टम के पास रिसोर्सेज बढ़ गए क्योंकि रिसोर्सेज उसने वापस कर दिए. अब सेकंड स्टेप क्या था, हमने उसका जो फिनिश है वो ट्रू कर देना. जब फिनिश ट्रू कर दिया मतलब अब ये रेस से बाहर है, अब हम इसको नेक्स्ट टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, विल कंसिडर अदर प्रोसेसेस जिनका फिनिश अभी फॉल्स है. सो नेक्स्ट अब इतने में से 532 इज़ द करंट अवेलेबल. 532 की में से हम किसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वी कैन सेटिस्फाई P3's नीड बिकॉज 532 को अभी ये सेटिस्फाई, इससे हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. अगर हम P3 को सेटिस्फाई कर सकते हैं सो इन दिस सिनेरियो जब ये ख़त्म हो जाएगा या भी फिनिश हो जाएगा तो ये हमें कितने रिसोर्सेज और वापस कर देगा, 211 क्या है, जो पहले हमने इसको ऑलरेडी दे दिए थे. सो हमारे अभी वर्क में कितना ऐड हो जाएगा,
2 1 1 5 3 2 में ऐड हो जाएगा 2 1 1, और हमारे पास करंटली अवेलेबल बच जाएगा 7 4 3. वी विल ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज. सो इन दिस केस P3 का भी हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया फॉर फिनिश. दैट मीन्स अभी P3 भी रेस से बाहर हो गया, P1 भी बाहर हो गया. अभी हमारे पास 3 प्रोसेसेस बाकी हैं. अब हमारे पास जो वर्क है दैट इज 7 4 3. क्लियर? 7 4 3 से आई कैन सेटिस्फाई P0, वो भी हम कर सकते हैं. बट अभी हम लूप में चल रहे थे कि हम अभी तक यहाँ आ गए थे, फिर हमने देखा कि हाँ उससे नेक्स्ट वाला भी आई कैन सेटिस्फाई. 4 3 1 इज़ लेस देन 7 4 3. सो हमने P4 को जितना ऑलरेडी दिया हुआ था 0 0 2, वो भी वापस ले लिया. सो हमारे करंट में ऐड हो गया 7 4 3 प्लस 0 0 2. तो हमारा करंट अवेलेबल बन गया 7 4 5. 3 + 2 इज़ 5. सो हमारा P4 भी ख़त्म हो गया अभी. सो ये भी रेस से बाहर हो गया. सो नाउ वी हैव ओनली 2 प्रोसेसेस लेफ्ट इन दिस सिनेरियो. अभी हमारे पास जो करंट अवेलेबल है दैट इज 7 4 5. तो 7 4 5 में से हम P0 की नीड को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो हमने उसको एलोकेट कर दिया. तो P0 के जितने भी प्रोसेस रिसोर्सेज थे दैट इज 0 1 0, वो हमें वापस ले लिए 0 1 0, एंड इट विल बिकम 7 5. क्लियर? नाउ P0 इज आउट ऑफ द रेस, ओनली P2 इज लेफ्ट विद 7 5 5. वी कैन एलोकेट P2's रिसोर्सेज टू, एंड P2 विल ऑल्सो रिटर्न अस 302. सो विल ऐड दिस 302 इन टू आर अवेलेबल एंड विल हैव द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज. एंड नाउ विल बी इन द कंडीशन. अब कौन सी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी? अब ये वाली जो कंडीशन है कि फिनिश, जब वो फिर से चेक करेगा लूप में कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस बचा है जिसका फिनिश फॉल्स है, तो नो, देर विल बी नो प्रोसेस, क्योंकि सारे प्रोसेसेस फिनिश हो गए हैं, सबका जो फॉल्स है वो ट्रू हो गया है फिनिश ऑफ आई का. सो इन दिस केस दिस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड. तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो फोर्थ स्टेप पे आ जाएगा कि अगर सबका फिनिश ट्रू है तो सिस्टम सेफ है, अगर किसी एक भी प्रोसेस का फिनिश फॉल्स होता तो सिस्टम अनसेफ होता. विल सी द अनसेफ ऑल्सो, लेकिन इन दिस सिनेरियो द सिस्टम इज सेफ बिकॉज सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, सेफ सीक्वेंस बन गई है हमारे पास. सो नाउ द सेफ सीक्वेंस विल बी P1 पहले ख़त्म होगा फिनिश, फिर P3, P4, P0 एंड P2. अगर हम इस सीक्वेंस में चलाएंगे देन सिस्टम विल बी सेफ. सो इवन इफ वन सेफ सीक्वेंस इज देयर द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी इन सेफ स्टेट. सो दिस न्यू स्टेट विल बी आर फाइनल स्टेट. अदरवाइज हम इसको रोल बैक करते पुरानी स्टेट पे जाते, बट इन दिस सिनेरियो दिस इज फाइन. नाउ विल सी अनदर एग्जांपल. यहाँ पे हम सिस्टम को अनसेफ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट, P4 ने हमारे पास रिक्वेस्ट किया 330. P4 ने डिमांड किया 330. दिस इज़ अ नेक्स्ट सिनेरियो, पिछला वाला फिनिश है. अब इस केस में मान लो इस सिनेरियो में P4 ने बोला कि मुझे 330 चाहिए, जो कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो मांग सकता है, इज लेस देन द नीड. बट हमारे पास है ही नहीं है, बैंक के पास सिस्टम के पास 230 अवेलेबल है, लेकिन वो प्रोसेस इज आस्किंग फॉर 330. तो ये पहले ही रिसोर्स को एलोकेशन में बोलेगा वेट करिए बिकॉज वी डोंट हैव द सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड सिनेरियो क्या है, मान लो कि P0 ने डिमांड किया 020. P0 जो कि फर्स्ट है, P0 ने डिमांड किया 020. जब इसने डिमांड किया तो 020 तो है सिस्टम के पास, सिस्टम कैन एलोकेट दिस. तो मान लो सिस्टम ने एलोकेट कर दिया. जब इसने 020 एलोकेट किया तो हमने क्या करना है, अवेलेबल में से 020 माइनस कर देना है. अवेलेबल कितना था, 230 माइनस 020. सो हमारे पास कितना बच जाएगा, 210. तो हमारे पास अवेलेबल बच जाएगा 210. क्लियर? नाउ वी विल रन द, वी हैव ऑल्सो चेंज्ड P0 का एलोकेशन, चेंज कर दिया. पहले उसका एलोकेशन था 010, अब हमने उसको एलोकेट कर दिया तो आ गया 030. हमने 020 ऐड कर दिया उसमें, नीड में से 020 माइनस कर दिया. पहले नीड थी 743, अब नीड हो गई है 723. मान लो ये हमारी करंट सिचुएशन है. जब हम इस पे सेफ्टी एल्गोरिदम चलाएंगे, सेफ्टी एल्गोरिदम क्या कहती है कि रन फ्रॉम दिस टू दिस, सारे प्रोसेसेस में से देखो जिसकी नीड इससे कम है, जिसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको हम चूज़ करेंगे, उससे एलोकेशन वाले वापस ले लेंगे. लेकिन इस सिनेरियो में 210 जो है
वो किसी भी प्रोसेस की नीड से ज़्यादा नहीं है, तो ये वाली जो स्टेट होगी वो क्या होगी, अनसेफ स्टेट, बिकॉज नीड, इसकी नीड है 723, वो भी हम अभी इसको सारे सारे नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसकी नीड को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसको 2 चाहिए और हमारे पास बी का सिर्फ सिंगल इंस्टांस है, इस केस में 6 ऑफ ए चाहिए, वो भी नहीं हम दे सकते, इसमें सी का 1 चाहिए, तो इसमें सी का 1 है ही नहीं हमारे पास, 431 में भी हम इसको एलोकेट नहीं करते, कोई भी ऐसा प्रोसेस है ही नहीं है सिस्टम में जिसकी नीड को हम अभी सेटिस्फाई कर दें और उससे रिसोर्सेज वापस ले लें सो दैट हम नेक्स्ट को कंसिडर करें, तो यहाँ पे सिस्टम क्या बोल देगा कि कोई सेफ्टी सीक्वेंस बन ही नहीं रही है, तो इट इज़ अनसेफ, अनसेफ है, तो अनसेफ में ये जो हमने प्रिटेंड किया था कि हमने उसको दे दिए रिसोर्सेज, वी विल रोल बैक एंड विल मूव टू दिस पर्टिकुलर स्टेट अगेन, प्रोसेस विल वेट इन दिस सिनेरियो, तो नाउ देर इज़ नो प्रोसेस हुज़ नीड इज़ लेस देन अवेलेबल, है ही नहीं है कोई प्रोसेस, तो सिस्टम क्या है, अनसेफ है, तो जो प्रिटेंड किया था विल रोल बैक मूव टू द सेफ स्टेट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल, प्लीज सॉल्व इट एंड ट्राई टू टाइप द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन देयर, प्लीज डाउनलोड द नोट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो.